वो पर सब कुटो के आगे कबूतर मर गए हैं लोगों के आगे। बात ही निदारा हो जाएगा तुम, कबूतर निदारा कर देंगे। दूसरे एपिसोड में बताएंगे या आज ही बता दे। मेरा दावा है बस 35-35 बातें दी, तुम शर्म नहीं आती? और क्यों नहीं जवाब देता ना? पर नु तेरा सट लांगा उड़ा के दिखा फिर कुंदे नु। मैं जोर तोड़ देना फिर शाम नु ना पवे मेरे मुंह ते तुक दे। छोपी टोपी बेहतरीन कबूतर थे, शिकरे कबूतर थे बेहतरीन, बेनजीर कबूतर थे बेहतरीन, उनके पास शारके कबूतर थे बेहतरीन। ये तीन चार नस्लों के उनके कबूतर थे, ये लाहौर के मकबाल का रहा हूं। शिकरे पुराने कबूतर यस मेरे पास रहे हैं यार, मेरे को पुरान यार। मैं अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह ताला ये इज्जत दिला खुदा के आता है। मैं अल्लाह खुदा आई ओनली डिपेंड माई लक भाई, सबको समझो। मैं उस जात के आगे किसी को नहीं मानता, इज्जत दिले तो उसके हाथ में। आज से 30 साल पहले मैं आज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, मैं नीयत वाला बंदा हूँ। मेरे पास आ जाए ना जो बड़े बड़े बंदे हैं, मुझे मैं कुरान रख लेता हूँ, हाथ रख दे ये झूठ नहीं बोलते। कुरान मजीद की कसम मैं उन्होंने शिगिर्द हो जाएगा लड्डू बाल आगा, सारी झूठ बोल रही है। मैं नहीं बोलता बस। ये शिकरे कबूतर कहाँ से आए? ये वो आई टोंड, देखो अब उनको पता होगा, उस वक्त मैं छोटा था या 45-50 साल की बात। ये बहुत शब्द पार्टी बड़े अच्छे कबूतर थे, बहुत अच्छी बड़वा। याद है एक 30 साल पहले एक शिकरा आपके घर के पास ही उड़ता था जो साहब ने? वो तो वो शिकरा नमा था, मैंने जीने गुजर के चाहते मोरे खा दिए यार। ओ यार तरीकी कबूतर शिकरे यार, कबूतर हुए शिकरे। लेकिन देखो मैं आप सुने बहुत, मैं आपको अभी ऊपर लेके जाऊंगा, मैं ऐसे कबूतर दिखाऊंगा जैसे ईश्वर राय कबूतरी होंगी, प्रियंका चोपड़ी। हम खूबसूरती को पहला नंबर देते हैं, छाड़ो ना उड़ने ते मरासियां दे पुत्र भी बहन बन जाते हैं, मेहनत करोगे तो भी उड़ जाते हैं ठप्पे भी। ए भी तुम दस राम जो मेहनत भोला भाला की है, है? और मेहनत ना मरासियां दे पुत्र भी बहन बन जाते हैं, जिसे 2000 बच्चा छेगा कोई तो उड़ पेगा ना, एडे कबूतर बाद दस ना दस छे तो कोट ये छे 4-4 हज़ार बच्चा बाजी थी कितों लियाइए। 2-2 करोड़ इन्होंने खुटिया से लगाया, इन्होंने बरीका है ना। देखो अजकल कबूतरबाजी हूं चली गई वे घर च, कम अज कम तुम लाहौर कप खेडने लिना साल का 15 लाख रुपया चाहिए। मेरा दोस्त है सुमान भट्ट, इज अ वेरी नाइस परसन, मेरे लिए बहुत प्यारा, मेरा जान जिंद जान है, मेरी इन्होंने ना रखे है कबूतर जिंद जान। हाँ हाँ जिंदगी जैसा कबूतर बाद नहीं देखा। पला क्यों ना कबूतर देता ना लेता, लड़ाई दे चांस ही नहीं। अच्छा बट साहब लोगों का फायदा करेंगे, लास्ट 2-4 बातें करेंगे फिर ऊपर चलते हैं, कबूतर दिखाएंगे। बात ही निदारा हो जाएगा तुम, कबूतर निदारा कर देंगे। कबूतर निदारा, ये मेरा इनसे भी सवाल है, और सवाल क्या है, लोगों का फायदा करे कबूतर परवरों को, लास्ट में कुछ ऐसी टिप्स देनी चाहिए लोगों को, ताकि आगे जेठ आ रहा है, विसाख आ रहा है, विसाख तो शुरू हो गया समझे, तो लोगों को थोड़ा सा ना कबूतर की संभाल में थोड़ा सा पता चल जाए, क्योंकि आप लेजेंड आदमी हैं। एक तो आप जो भी चीज जो भी चीज़ बताएंगे ना, आप परफेक्ट बताएंगे मेरे ख्याल से, तो आपको ना कबूतर की, जैसे कबूतर आ जाता है खराब हो जाता है, बंद करते नाड़ी जो बंदे कबूतर खराब हो जाता है, मिसाल के तौर पर ऊपर से आता है जेठ है, कबूतर खराब हो गया, उसको जरा संभाल के मैं वो चीजें पूछूंगा आपसे जो आपको परेशानी ना हो, ताकि वो आपको मेडिसिन। मेरे पास रजिस्टर पड़ा हुआ मेरे दो सक्का वाले का, यहाँ वो वादा करके गया ये दिखाना नहीं किसी को, हालांकि मैं देने दिखा दिया है। उसने ये कहा कि ये देख के बाद मैं किसी को पूछते ही नहीं, वो सड़े आ गया ना उन्हें, और वो बहुत शिकिर थे उसके, कहते बस दाना पानी लैन आते मुड़ के लभद ही नहीं, बस अल्लाह की कसम कसम भाग गया गोल बैठा मेरा शीर तैयार पहले सामने, उन्हें कहा यार दही किसे ना पार दही, वो मैं कहा नहीं शेर जी दफा करो, वो कहता यार ये गल नहीं किसी की करना है, कहते बाद एप्रीशिएट ही नहीं करते, कहते बाद एप्रीशिएट ही नहीं करते। वो कहना यार देखो दिल नहीं सड़ता यार तेरे को, मैं कुछ चीजा सीखे मेरा कम है तेन एप्लीशिएट करना यार, यार जी अगर मेरे ब्लड है ब्लड ही फिर सुन ला हूं, यार जी अगर जैसे ब्लड का होगा ना तो तेन ना लेके चलागा। सर उस्ताद एक बाप होता है
अगर बाप को नहीं सजाना तो फिर पता नहीं आपको क्या सजाओगे। ये बातें हो रही थी आपसे, ये मैंने सूदी ने गाना भेजी भेजी है, वो बेचारे उन्हें बंदे उन्हें मेरे को शुक्रिया कहना, मैं कभी 100वें नंबर पे भी नहीं आना था, उन पहले तीन नंबर पे जंदा जी। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि मैं तो झूठ वाला ना ही है ना, मेरे से कोई आगे पूछ ले बैठ साहब तुम इंटरव्यू दिता, मैं मानकुरान के हाथ के कह देगा मैं सच बोले, मैं लानत भेजता हूँ झूठ बोलने पे, क्योंकि मुझे पता है आप सरकार ने कहा था झूठ बोलना मेरा उन्नति नहीं होगा, ऐसे ही शर्म जाओ, कोई शेम फॉर ऐसे ही समझ जाओ, ये कबीरा गुना है, चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जन्नत में जान में जिसमें ये भी झूठ भी है, नमाजें नहीं है, धोखा देना, झूठ बोलना, किसी का हक मारना, किसी को, ये तीन चार चीजें जन्नत के कंपल्सरी हैं, एक एक चीज भी फेल हो गया तो जन्नत नहीं होना। कुरान में बहुत गुनाहगार आदमी हूँ यार, लेकिन ये चार चीजें मैंने दिल पे लिखी हुई हैं, अमान कुरान की कसम, ये भी ये चार चीजें मैंने नहीं करनी, क्योंकि कुरान में आप गूगल पे जाए वहां लिखे चार इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं जन्नत में जाने के लिए, वो चार चीजें वो सामने आ जाएंगी, तारक जी मिलकर या जाकिर नायक वो बतन बताएंगे उसमें, नमाज ये नहीं है कि नमाजी नमाज ताटे दे, नमाज का हमने अल्लाह का देना है, ये झूठ यार झूठ बोलो तो बात आते ही नहीं सर वो। ऐसा फिर आप संभाल कर कुछ नहीं बताएंगे, किसका संभाल का, कबूतर की संभाल बताएंगे मेरे, मैं माला के उसने मैं बता दूंगा, संभाल में हर बंदे के लिए अपना अपना, वो ऐसी चीज है कसम खुदा दी हार ही नहीं सकता, हार ही नहीं सकता एक बारी जान से गई सिर पर रंदे। अच्छा हाँ मेरा दावा है बस, दूसरे एपिसोड में बताएंगे या आज ही बता देंगे, नहीं दूसरे ये इस ऐसे देखो मेरी गल ऐसे बता के आप सबसे पहले तो आप एनकर थोड़ी जी गल्ला मैं करा ना, तुम एनकर आदमी हो, ताडा काम है लोगों की सलाह करना, है जी है ना, अच्छे बुरे की तबीयत दसना, तुम क्यों तरीफा कर दो किसी जाति करो कुछ किया नहीं हुआ, मेरी भी ना करो, अगर मैनू इस काबल समझ दो तो फिर कर लेना, नहीं करना फिर ना करना, यह झूठिया तरीफा कर रहे होंगे, एको ही कहानी फड़ी हुई है एक्सपायरी डेट वाली, वो फलाने कबूतर फलाने वाले उन्होंने कोर्ट हो गए ने, उन्होंने यार शर्म क्यों नहीं आती है, यार जो सरबंधित है उन्हें क्या बोले क्यों नहीं आया तुम, उन्हें कहा पांच पांच साल सरबंध कैसे इंटरव्यू थी ना, वो मैं जो जोड़ा लुआया पठान का उत्थे कामड वाली शाम तक पहले बैठी तो कप चुके ना जवाब देंगे ना, वो यार पांच पांच साल पैंती पैंती बाधी दी तुम शर्म नहीं आती, उन्हें क्यों नहीं जवाब दिता, फिर कोई गला रीट वो ही रट ले, वो यार मोंडे नू ला लो, मोइन मेरा बहुत मेरा छोटा भाई है, उन्हें यार नीले पीले काले लाल तुझे उन्हें कबूतर दे लो ना, कि डायने उन्हें तो ये तुम जद तक झूठ बोला नहीं छड़ना तो ओला ने इज्जत ही नहीं देनी, सुन लो कबूतर बादो पिजन लवर इट इज माई फर्म बिलीफ जस्ट फॉर योर गाइड इनफॉरमेशन, जब तक आपने झूठ बोलना नहीं छोड़ना तो अल्लाह ने इज्जत नहीं देनी। अच्छा ऊपर चले चले सर चले, एक सेकंड जी दोस्तों, आपका शुक्रिया, आपने हमें बर्दाश्त किया, आपने पूरा प्रोग्राम देखा और लास्ट तक देखे, कबूतर जिंदगी पाकिस्तान को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, तो आगे दोस्तों से शेयर करें। अब हम दूसरे एपिसोड में बताएंगे उस्ताद जी से, कोई मिन्नत मुन्नत करेंगे इनकी, और अपना ख्वाजा साहब से भी कुछ ना, जो आसफ सको वाला है उनकी पूरी डायरी पड़ी हुई है इनके पास, पूरी डायरी में से मरने से पहले दे गया है, माशाल्लाह बड़ी बात है, अल्लाह पाक। मेरा 50 साल का दोस्त मेरे साथ फर्स्ट ईयर में पढ़ता था 1974, आप चले जाए ना 97, पूरे 50 साल हो गए, मैं और वो दोनों क्लास फेलो थे सरामे काले रेलवे रोड पे, और वो बहुत रिच आदमी था, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत और फरदोस में जगह दे जी, आमीन। तो देखिए दोबारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा होगा, मेरा ख्याल है अब जो है ना हमारा जो प्रोग्राम होता रहे करेगा व्हाट्सएप के साथ, और काफी मजा आया दोस्तों को भी जो बैठे हुए साथ में, शिगिर्द ये शिगिर्द है साथ में, तो माशाल्लाह इनके पास भी बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो बाकी बातें ऊपर चल के करते हैं, क्या ख्याल है जी? बिल्कुल बिल्कुल, तो इजाजत दे जी साथ, शौक भी किराया जाए साथ साथ।
जी शो करवाएंगे ना, वो तो शो कराएंगे आप अगर कबूतरों को समझते हैं। मेरे पास अल्लाह की कसम मैं अभी भी कहता हूँ आए रो शो करने, मैं कहता नहीं ये इलम है एक उस यार तुम दसिया इंडिया जी एक बंदा बैठा है स्टूडेंट बैठाए ने तो मैं 25 साल पहले मैं कहो एक इलम है ये इनसाइक्लोपीडिया ये एक बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही कोई कबूतर लेके फिर फलाने अलादा और ना उन्होंने कोड होए ने नियत का भी कह बैठा हूँ। ऊपर से हमारे कबूतरबाज भाई जो से है ना वो अल्लाह मियां के पास जाके बड़क मारते हैं, वो नीचे आते हैं थम करके, वो सबसे तकबर जिसे कहते हैं, वो नीचे गिरते हैं। हाँ जी, कसम खुदा की तकबर ना का लफ्ज ही नहीं है, मैं पास बैठाना भी पसंद नहीं करता तकबर वाले को, मैं इतना अजीब वाला आदमी हूँ। मैं ये कौन कहती हूं छुरी बिट जाती है ओ बकरी नहीं, मैं तो पसंद ही नहीं है। हमने ऐसे ऐसे लोग हैं फिल्मी एक्टर हैं जी कॉटर में, हेलो ये मैंने एक 45 नंबर जोड़ा लगाया है ये ओए ओनु तेनु तो मल्ला नहीं जानते हो खुदा दी कसम है जेड़े कह रहे ने मैं ना नहीं लेना चाहता दिल शिक नहीं होएगी। मेरे दोस्त है वो मल्ला कब नहीं जीते कभी यार, उनका क्या काम है आप स्टूडेंट हो, मैं पढ़ पहले आप मैं नहीं ना लेता है, मैं की इतनी वहां बिलाल को जेड़ा बच्चा उड़े है 100 साल की तरीक लिया 100 साल की तरीक कुछ आओ जेड़ा बच्चा उड़े है उरीगा दे फावर भाई जरा कोल पठान बच्चा पसाख चैंपियन चेतर चैंपियन पसाख चैंपियन 2022 जैसी गर्मी नहीं आनी चेतर पसाख जेठ को जया बहुत गर्मी से कई मौतां ने क्या मन बन लिया ने कई मौतां दे इंटरव्यू आए ना जेडे प्रोफेशनल होंदे पै लै गए उन्होंने मैं टिकटॉक ते देखिया कबूतर बदल तू कहता दुआ करो बारिश आ जाए मैंने उन्होंने बहुत मारा लोगों ने हथी बाजियां दी साहब खुडो के आगे कबूतर मर गए हैं लोगों के आगे पास ना खुडो विंडो पर आगे मर गए हैं कबूतर कई लोगों ने हाथ से बाजियां दी हैं बाजियां दी हैं देखें कुछ यार पाइपे छे छे दीते ने 200 रन चले 6 बच्चे दीते 2 जाम बाजी खा मोर खा गए माशाल्लाह दस यार गल है नी मेरे कबूतरों की नी तारीफ है ये मेरी दयानतदारी की तरीफ ये अल्लाह नियत मंगी उसका रिटर्न दे रहा हूँ यार है ना जी ब्याह छ कबूतर पूछा मैं बाट साहब कबूतर माशाल्लाह आपके बड़े अच्छे उड़ते हैं कहते भाई रात है गई मैं कही रात दसो कहते मां ना दे के ना मुड़ के दुआ करी अल्लाह इज्जत बचा क्योंकि किसी वक्त आपका टेस्टेड जोड़ा वो सामने जाके चल जाएगा यार वो कोई गल पुराने वाली वो कब्रें चले गए ने बंदे उन्होंने लेके सजे झूठो झूठ बोली जा रहे ने जिन्होंने कोड हो गए ने वो अभी तक तो सोना सानू कोड होए ने आपको पता ना नीलाम घर में एक रंगीन टेलीविजन आज से 25-30 साल पहले दिया गया था उन्होंने कहा सबसे बड़ा झूठा दुनिया में कौन है उन्होंने कही कबूतर रंगीन टेलीविजन मिला था उस वक्त उसे रंगीन टेलीविजन की बड़ी बात थी उस वक्त चलो ऊपर चले असल तालिम कबूतर दे सन गया तू बड़े लगे देखो मैं कॉपी करने वाले को कबूतर बाद ही समझता कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए देखे ना एक्टर आदमी किसी की कॉपी नहीं करता कोई कलाकार है ऐसा अरे कॉपियां कर रहे फलाने वाला फलाने वाला 100 में से 2 कलाकार होते हैं बाकी सब कॉपी पेस्ट ही होते हैं।